हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट फ्रोज का इंट्रोडक्शन देखा था, द चाइल्ड रिटन बाय प्रेमचंद, किस तरह से इंडियन स्टोरी प्रेमचंद जी के वर्ड में यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो Child, the story narrated by the employer of Brahmin servant named Gangu. देखो, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस स्टोरी में ब्राह्मीन सर्वेंट है जिसका नाम है गंगू। एंड इन दोज डेज व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया रिगार्डिंग कास्ट बेसिस इट वाज क्लासिफाइड। ओके, तो कास्ट पे किस तरह से टिकी हुई थी इंडिया की सोसाइटी, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल इन्होंने इस स्टोरी से दिया है। इसमें जो ब्राह्मीन सर्वेंट है उसका नाम है गंगू, एंड ब्राह्मीन पीपल ऑलवेज डोमिनेटेड टू अदर पीपल इन दोज डेज। दे थॉट वी आर द सुपीरियर देन others, they think we are the superiors, okay, and other are inferior। इस तरह से वो खुद को बड़ा या फिर श्रेष्ठ समझते थे और दूसरों को क्या समझते थे, यानी तुच्छ यानी हीन लिखते थे। तो किस तरह से उन दिनों की प्रेमचंद जी के जब थे उन दिनों की इंडिया की सिचुएशन इस स्टोरी से हमें देखने को मिलती है। ओके, सो हाउ दैट गंगू मैरिज अ विडो गोमती, द स्टोरी रिवेल्स गंगूज कंपैशन करेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर एंड शोज द रीडर अ वे ऑफ कास्टिंग असाइड द प्रेशर्स दैट सोसाइटी एक्सर्ट ऑन अस। सो हाउ दैट द स्टोरी रन विद द ब्राह्मीन सर्वेंट गंगू। ओके, सो कमिंग स्टार्टिंग विद द स्टोरी, पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मीन। ओके, पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मीन। गंगू क्या था, एक ब्राह्मीन कम्युनिटी से बिलोंग करता था। सो ही कंसिडर हिमसेल्फ वन टू, तो वो खुद को भी श्रेष्ठ समझता था। वट इट वॉज नेचुरली देखो, इट इज नेचुरली वेन वी आर बिलोंगिंग सम ऑफ द फैमिली, इफ वी आर बिलोंगिंग द हाइएस्ट फैमिली और वी कैन सुपीरियर फैमिली और रिचर फैमिली, बेसिकली वॉट हैपन इन आवर माइंड आवर थाट्स आवर ऑल द डेवलपमेंट इट इज डिपेंड ऑन आवर मेंटेलिटी। ओके, मेंटेलिटी पे डिपेंड होता है, उस पर फर्क गिरता है कि उसी तरह से वो क्या करता है, जिस माहौल में इंसान का बर्थ होता है तो उस इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ उसके माइंड पे इफेक्ट रहता है। तो गंगू भी खुद को उस तरह से कंसिडर करता था, ऑल माय अदर सर्वेंट्स बाउ टू मी, इट मींस ऑल माय अदर सर्वेंट बाउ टू मी बट गंगू नेवर ग्रेट मी लाइक दिस। ओके, द नरेटर और दैट द स्टोरी राइटर और दैट द पर्सन हु इज टेलिंग दिस स्टोरी is telling that all my other servant bow to me। अभी ये ऑफिस में है, ऑफिस में जो कुछ भी ये ऑफिसर है इसको सब लोग क्या करते थे, bow करते थे, यानी सब लोग जो उसको सलाम करते थे। ओके, बट गंगू नेवर मी लाइक दिस। गंगू कभी भी सलाम नहीं करता था, bow नहीं करता था या फिर झुकता नहीं था। ओके, प्रॉबेबली ही एक्सपेक्ट मी टू bow to him, क्योंकि वो ही वॉज फ्रॉम ब्राह्मीन कम्युनिटी, दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू मी टू बाउ हिम टू हिम। देखो, वो ब्राह्मीन कम्युनिटी से बिलोंग करने के कारण उसे ऐसा लगता था कि ही इज द सुपेरियर। वो क्या है, उस ऑफिस का क्या है, सुपेरियर है। हालांकि वो क्या था, वहाँ का सर्वेंट था, मगर उसको लगता था कि मेरी कम्युनिटी बड़ी है, आई एम फ्रॉम द ब्राह्मीन कम्युनिटी, तो मुझे ऑफिसर ने क्या करना चाहिए, मुझे ग्रीट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, ऐसा उसको खुद को लगता था। सो ही नेवर टचेस एनी ऑफ द यूज्ड
अनटेल्स देखो तो इतना ही नहीं, अनटचेबिलिटी वर्क्स हियर, यहाँ पे किस तरह से अनटचेबिलिटी वर्क करती थी उन दिनों, ये भी बताया है कि गंगू नेवर यूज्ड टचेस, यूज्ड अनटेल्स, मैंने जो कुछ भी दूसरे जाति के जो कुछ भी वहाँ पे ऑफिस में लोग रहते थे, उन्होंने जो जिस चीज़ को टच किया था वो उसको टच करने तक की कोशिश नहीं करता था, इतना वो क्या था, खुद के थॉट्स में, खुद के मेंटेलिटी में घिरा हुआ था गंगू। ओके सो आई लैक द करेज टू आस्क हिम इवन द फैन इवन टू फैन मी इन द हॉट इन द हॉट वेदर। देखो अभी ये कहते हैं कि अभी ये ऑफिसर है, ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर ऑलवेज अलाउ वर्क टू देयर सर्वेंट, सर्वेंट है गंगू, सर्वेंट है सर्वेंट का, तो ऑफिसर कोई भी ऑफिसर उसको कहेगा ना फैन लगाने के लिए, गर्मी के दिनों में वो उनको फैन लगाने के लिए कहता था ऑफिसर, मगर वो भी मानने को तैयार नहीं था। ओके समटाइम्स वेन नो बडी एल्स इन अराउंड एंड आई एम ड्रॉपिंग विथ प्रिस्पिरेशंस ही डज पिक अप अ फैन, बट हिज एटीट्यूड इज दैट ही इज डूइंग मी अ ग्रेट फेवर। सो हाउ द मेंटेलिटी वर्क्स हियर, देखो मेंटेलिटी किस तरह से वर्क करती है ह्यूमन बीइंग की। ओके जब कोई नहीं रहता था तो क्या करते थे, ही डज पिक अप अ फैन बट हिज एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड किस तरह से बैरियर बनता है आदमी के, देखो माइंड में किस तरह से थिंकिंग रहती है, माइंड में किस तरह से सुपेरियरिटी और इन्फेरियरिटी वर्क करती है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उसका एटीट्यूड, उसका ग्रेटनेस उसको आड़े आता था काम करने में। देखो ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड कैन नॉट टॉलरेट इवन द स्लाइटेस्ट रीबक। ओके ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, गंगू इज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड ही कैन नॉट टॉलरेट, देखो वो टॉलरेट यानी वो उसमें सहनशीलता नहीं थी, टॉलरेट नहीं कर सकता था, वो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। ही हैज़ वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड कंसिडर्स इट बिलो हिज डिग्निटी टू सिट विथ द स्का और द बेरर्स। ओके सो ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, देखो उसको बहुत कम क्या थे, फ्रेंड थे, और उसके सामने वो बैठते भी नहीं थे। ओके तो उसको उसको बैठने की भी वो इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि उसका माइंड, उसकी मेंटेलिटी, उसका जो कुछ भी देखने का नज़रिया वो उसी तरह से वर्क करता था। आई हैव एवर सीन हिम बीइंग फ्रेंडली विथ एनीवन, इट मीन्स ही जस्ट डोमिनेट ऑल द पीपल्स। देखो वो क्या करता था, दूसरे को डोमिनेट करने की वजह से वो उनको ऑफिसर ने क्या, वो राइटर ने कभी उसको देखा नहीं था किसी के साथ फ्रेंडली बात करते हुए, या फिर किसी के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हुए उनको देखा नहीं था। देखो तो किस तरह से उसकी मेंटेलिटी वर्क करती है, देखो अगर हमारे माइंड में अगर कोई एक चीज़ बैठी है सालों से या फिर ट्रेडिशनली, तो वो हमारे माइंड से रूट आउट होने को नहीं चाहती है, या फिर रूट आउट करने को हम नहीं चाहते हैं। ओके सो वी थिंक दैट देखो ह्यूमैनिटी क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, सब ह्यूमंस एक सरीके हैं, सब ह्यूमन में ब्लड रेड ही कलर का है, मगर यहाँ पे हमारी मेंटेलिटी अदर पीपल्स को एक्सेप्ट करने को नहीं चाहती। देखो यहाँ पे यही उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी मेंटेलिटी हम पे हावी होती है। ओके सो आई हैव एवर सीन हिम बींग फ्रेंडली विथ एनी वन, नॉर डज ही एवर गो टू अ फेयर और अ शो, इट मीन्स नॉर डज ही एवर गो टू फेयर और अ शो, वो कभी यात्रा में भी नहीं जाते हुए देखा है किसी के साथ। देखो हम नेचुरली क्या करते हैं, कहीं पे यात्रा पे जाते हैं या फिर ट्रिप पे जाते हैं या फिर फ्रेंडली बिहेव करते हैं सबके साथ, मगर यहाँ पे वो कुछ किसी के साथ नहीं करता था। ही इज नॉट इवन फॉन्ड ऑफ भंग। ओके सो विच इज अ कॉमन एडिक्शन अमंगस्ट पीपल ऑफ हिज क्लास। ओके ही इज नॉट इवन फॉन्ड ऑफ भंग, देखो भांग, भांग जो पीने की एक एडिक्शन, वो कॉमन एडिक्शन है लोगों में, उस क्लास के
लोगों में, यानी सर्वेंट लोग कॉमनली क्या भांग पीते थे। तो वो कॉमन एडिक्शन उसको वो भी नहीं था, देखो, क्योंकि वो खुद को सुपेरियर, ही इज थिंकिंग दैट सुपेरियर टू फ्रॉम अदर्स। ही नेवर प्रेज नॉर डज ही गो फॉर अ बाथ इन द रिवर। सुनो, देखो यहाँ पे किस तरह से उसकी मेंटेलिटी दो टाइप्स की कर रहे हैं। देखो, वो सर्वेंट होने की वजह से वो खुद के कम्युनिटी के भी वर्क नहीं करता था, और क्या ब्राह्मण होने की वजह से वो सर्वेंट का भी वर्क नहीं करता था। देखो, उसकी माइंड, खुद का माइंड खुद पे किस तरह से कंट्रोल करता है, किस तरह से रोक लगाता है, किस तरह से हमारे वर्क में बैरियर बनाता है, यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। देखो, ही नेवर प्रेज, वो प्रेज भी नहीं करता था, नॉर डज ही गो फॉर अ बाथ इन द रिवर, कभी वो रिवर में जाके स्नान भी नहीं करता था। एंड ही इज कंप्लीटली इलिटरेट, ही इज कंप्लीटली इलिटरेट। वो कैसा था? इलिटरेट था, अनपढ़ था कंप्लीटली। इट ही एक्सपेक्ट ऑल द रिस्पेक्ट ड्यू टू अ ब्राह्मीन। इसके बावजूद भी उसको क्या चाहिए था? वो ब्राह्मीन है इसलिए उसको क्या कंप्लीटली वो ड्यू टू रिस्पेक्ट वो चाहता था। सो व्हाई शुडंट ही, इफ अदर पीपल कैन क्लेम रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ लेफ्ट टू देम बाय देयर फोर फादर्स, श्योरली गंगू कैन ऑल्सो क्लेम रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज एंसेंट्री। देर इज अ क्वेश्चन, वाई शुडंट ही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई शुडंट ही, तो क्या उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? एज अ ब्राह्मीन उसको क्या मिलनी चाहिए? वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये अगर कोई भी पर्सन, अगर उनके फोर फादर की यानी उनके बाप दादा की जो जायदाद रहती है या फिर वेल्थ रहती है, संपत्ति रहती है, उस पर हर किसी का, उसके वारस का उस पर क्लेम रहता है, उसी तरह से यहाँ पे गंगू का भी, वो एज अ ब्राह्मीन है, ब्राह्मीन लोगों को जिस तरह से ट्रेडिशनली क्या रिस्पेक्ट मिली है, उसी तरह से उसको रिस्पेक्ट चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है, व्हाई शुडंट ही, उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट? अगर किसी को उसके पेरेंट्स या फिर फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके तरफ से जो कुछ भी वेल्थ आती है, नेचुरली संपत्ति जो मिलती है, अगर वो पढ़े वाला हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, उसके वारस को क्या मिलती है? संपत्ति मिलती है। तो उसी तरह से इसको भी, श्योरली गंगू को भी कैन ऑल्सो क्लेम रिस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज एंसेंट्री। देखो इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट हैपन अगेन, आई डज नॉट टॉक टू माई सर्वेंट्स एक्सेप्ट वेन इट इज नेसेसरी। आई डू नॉट टॉक टू माई सर्वेंट्स एक्सेप्ट वेन इट इज नेसेसरी, दे हैव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नॉट टू इन्वेड माई प्राइवेसी यूजले अनलेस दे आर सेंट फॉर सच अ स्मॉल मैटर एज गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर आर पुटिंग ऑन द शूज आर लाइटनिंग द लैम्प, आई प्रीफर टू डू माई सेल्फ रैदर देन सेंड फॉर देम। सो ही इज हियर द राइटर टेलिंग दैट आई प्रीफर ऑल दैट थिंग्स दैट सच अ स्मॉल मैटर्स द एज गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो अभी ये छोटी छोटी चीज़ें वो उनके सर्वेंट को देना नहीं चाहते हैं, या फिर कहना नहीं चाहते, या फिर सर्वेंट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नेसेसरी नहीं समझते हैं। इसमें क्या है? पुटिंग अ ग्ला गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिसर्स ऑलवेज सेंड द ऑर्डर टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो एक ग्लास पानी लाने के लिए या फिर वाटर लाने के लिए सर्वेंट को ऑर्डर दी जाती है ऑफिसर से। ये छोटे छोटे काम यहाँ पे नहीं करते। पुटिंग ऑन द शूज़ यानी जूता, जूते रख दो वहाँ पे बाहर, ऐसा लाइटनिंग द लैम्प, लैम्प चालू करो, इस तरह के ये छोटे मोटे काम नहीं प्रीफर करते या फिर बताना नहीं चाहते। इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। देखो
इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। देखो, द सर्वेंट नो माई हैबिट बाय नाउ एंड दे सेल्डम बॉदर मी। सो दिस इज माई हैबिट, आई कैन डू ऑल माई थिंग्स अलवेज माई सेल्फ। ओके, और सर्वेंट को भी ये पता था कि मेरी हैबिट्स क्या है। मेरी हैबिट्स ऐसी नहीं है कि सर्वेंट को मैं डोमिनेट करूँ, उसको पानी लाने के लिए बोलूँ, जूते रखने के लिए बोलूँ, ये करने के लिए, वो करने के लिए, इस तरह से ऑर्डर देने का मेरा हैबिट नहीं है। इसलिए सब लोग मुझसे दे आर बॉदर टू मी, सेल्डम बॉदर टू मी। ओके, सो स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।